हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अब लेक्चर में हम। तो इस चैनल पर आपकी पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैथ के साथ साथ आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके एसएससी के रिगार्डिंग काम आएगी, एसएससी के रिगार्डिंग काम आएगी, या फिर आपकी यूपीएससी लेवल की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल पर काम आएगी, या फिर आप स्टेट पीसीबी पीसीएस भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब वो मैं नोट्स की कॉपी दे रहा हूँ, बाकी उसको समझाने की कोशिश मैं आपको पूरी करूँगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। तो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट करने से पहले हम क्या जानेंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में जो पॉलिटी है वो कैसे आई। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कैसे आई अपने देश में पॉलिटी, पॉलिटी बने कैसे। जैसा कि आपको पता है कि पहले अपने देश पर राजा और महाराजाओं का शासन था। ठीक है, ओके तो राजा महाराजाओं का शासन था, तो धीरे धीरे अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने यहाँ यहाँ आके काम करना स्टार्ट किया। तो हम जो पॉलिटी की है वो कम से कम 1600 साल के लगभग मानते हैं, क्योंकि 1600 के करीब क्या आए थे, अंग्रेज भारत में आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि इसी दौरान क्या बना था, 1600 के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे जैसे मतलब अपने देश में क्या हुआ, कंपनी स्टार्ट की गई, तो ईस्ट इंडिया, ईस्ट कहाँ से बना, ये ईस्ट आपके जो ब्रिटिश ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश जो इंग्लैंड देश आपका वो ईस्ट में रहता है, ईस्ट साइड में है, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, ईस्ट कंपनी। ठीक है, और साथ साथ में क्या दे दिया गया इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम इसने दे दिया गया। ठीक है, लगभग 1605 की बात है जब ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी ने अपनी जड़ अपने इंडिया में स्थापित की थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, इसके ट्रेडर्स पे भी बात करेंगे कि अपने देश में क्या कौन से व्यापार किए गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देश में जो कानून लागू हुआ है, जो आज के टाइम रूल रेगुलेशन है, वो उस टाइम पे के चार्टर एक्ट से बहुत मतलब उसी से आया अपने देख। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ही अपने देश में क्या ये पॉलिटिक का बनना स्टार्ट हुआ था। ओके, वरना तो राजा महाराजा क्या थे, मोनार्की थे, तो वो तो अपने बातों के अलावा किसी की सुनते नहीं थे। ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया बोलने चालना, लोगों से थोड़ी बहुत बातें सुनने लगे थे धीरे धीरे, तो वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट के अंदर। ओके, तो चार्टर एक्ट एक्चुअली क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना खुद का कानून स्थापित करना चाह रही थी, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि अपने देश में सबसे ज़्यादा शासन किसने लिया था, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, लगभग 200 साल, ठीक है, 200 से 250 साल सबसे ज्यादा शासन अंग्रेजों ने किया अपने देश पर। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कि लाइसेंस बनाने लग गए, मतलब जो आपको जो आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार पे आपका लाइसेंस बनना स्टार्ट कर दिया। तो लाइसेंस बनना स्टार्ट किया तो यहाँ से ही क्या बना, टैक्स का काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप जैसे भी कोई व्यापार करते हो तो वहाँ से वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये थी कहानी, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से अपनी पॉलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट होती है तो इसका मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं मैंने, ज़्यादा शॉर्ट में लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना जैसा भी आपको समझा जाए, बाकी मैं ट्राई करूँगा पूरा समझाने की आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर व्यापार आप करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, तो यही टैक्स आपका कहाँ से आया था, दीवानी राइट से आया, मतलब टैक्स लेना ही कहाँ से स्टार्ट किया, दीवानी राइट से, 1765 से। ठीक है, दीवानी राइट्स अपने यहाँ 1765 में आया,
जिसे हम क्या कहते हैं, सिविल रिवेन्यू कहते हैं। सिविल रिवेन्यू मतलब आपकी देखभाल करने का टैक्स लिया जाता था। व्यापार मतलब जो व्यापारी करते व्यापार करते थे उसकी रक्षा करने के लिए इसके लिए टैक्स लेना पड़ता था। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू हुआ? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो ये 30 जगह लागू हुआ था, एक तो आपका बंगाल में, एक उड़ीसा में, एक बिहार में। ठीक है, तो ये जगह याद रख लेना कि दीवानी राइट सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अंदर लागू हुई थी। तो इसमें जो रिच है वो क्या थे? सिविल सर्वेंट्स थे, जो आपके IAS IPS अधिकार हो गई वो आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए थे। ठीक है, जब जो अपने जो क्या था एक कंपनी का शासन चलाते थे। डेप्ट मतलब मजदूर वगैरह कौन थे? तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो काम करते थे वो आपके लेबर में काउंट होते थे। ठीक है, मतलब इन दोनों को क्या थी, छूट थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों की और रिच आदमियों के छूट दी जाती थी दीवानी राइट्स से। इसके अलावा ज़्यादातर दीवानी राइट्स आपको लगाया जाता था। तो इससे मतलब जब देखा कि ये जो रिच आदमी है यहाँ पर, ये जो रिच आदमी है ये क्या करने लगे, मतलब धीरे धीरे ये आके क्या करने लगे कि जो लेबर है ईस्ट इंडिया कंपनी के उससे भी क्या लेने लगे, टैक्स लेने लगे, जैसे कि रिश्वत लेने लगे। ठीक है, तो रिश्वत लेने लगे तो वहाँ की कंपनियों ने क्या किया, लोगों ने कंपनी को छोड़ना, कंपनी में हड़ताल करना स्टार्ट कर दी। तो इससे परेशान होकर कंपनी ने एक नया रूल लगाया। कौन सा रूल था वो आपका कौन सा रूल है? कंपनी रूल, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनी रूल, जो आपका 1773 से 1858 तक कंटिन्यू चला। तो इसी के अंदर आपका जो चार्टर एक्ट हमने शुरू में पढ़ा था वो भी इसी के अंदर आपका आ जाएगा कि 1773 से 1858 तक जितने भी एक्ट पढ़े हैं पढ़ेंगे सभी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये क्यों लगाए गए? क्योंकि कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अफेयर्स ऑफ मतलब ये जो रिश्वत वगैरह लेते थे इनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए लेते थे। ठीक है, जो अपने देश में जो भी मतलब अपने देश को क्या बोला जाता था पहले, सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो ये क्या करते थे सिविल सर्वेंट्स, ये मतलब यहाँ से तो लूटते लेकिन वह जो ब्रिटिश में जा गए इसको जमा नहीं करते थे, मतलब ये सारा का सारा अपना खुद अपनी जेब में रखते थे। ठीक है, तो इसी से परेशान होकर कंपनी रूल ने कौन कौन से एक्ट लगाए, इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लगा, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट चला 1773 में, फिर चार्टर एक्ट आपका 1833 में आया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट मतलब चार्टर एक्ट आपके तीन आए थे लेकिन दो इम्पोर्टेंट है, वो दो हम क्या करेंगे इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट है आपका। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या कह रहा है आपका, 1773 में ये लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में फैलाना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे क्या करना, पूरे भारत में इसका फैलाने का काम था रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कुछ मतलब आपके रिश्वतखोर ऑफिसर थे जो सिविल सर्वेंट्स थे उनसे रिगार्डिंग भी इस एक्ट को बोला गया था। ठीक है, तो इसमें इसको क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे कि एक जवाबदेही समुदाय थे, मतलब ये किसी ना किसी बातों को जवाब देना होता था इसने। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी कम्युनिटी थी, अनसर्वेबल कम्युनिटी। लागू कहाँ कहाँ हुई, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। क्यों? क्योंकि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में सबसे ज़्यादा रिश्वत चलता था। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सेंट्रलाइज का काम किया। सेंट्रलाइज मतलब
कि पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहे, ठीक है। तो सेंट्रलाइज हो गया, तो सेंट्रलाइज यही होता है कि जैसे कि दिल्ली से आपका सेंटर है, तो दिल्ली से पूरे भारत पर नियंत्रण किया जाता है। लेकिन आज के टाइम जो है, स्टेट भी अपना अलग सेंटर अलग वो क्या कर रही है, अलग अपना अलग कानून चला रही है, ठीक है। सेंटर का मतलब जो अपने खुद के कानून चलाए पूरे देश पर, और स्टेट स्टेट भी क्या कर रही है आज के टाइम, अपना अपना कानून चला रही है। मतलब दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं, कानून चला रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो एक ही जगह से होता था, पहले जो कानून चलता था वो कहाँ से चलता था, बंगाल से आपका कानून चलता था, ठीक है। तो इसका मतलब बंगाल में सबसे ज़्यादा कानून चल बंगाल से सबसे ज़्यादा कानून चलता था। तो इसका मतलब वहाँ का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारन हेस्टिंग था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारन हेस्टिंग था। क्यों था, क्योंकि जो मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर थे वो क्या देते थे, अपनी सारी पावर बंगाल को देते थे, ठीक है। मद्रास और बॉम्बे को दोनों मिलकर अपनी पावर क्या करते थे, बंगाल को अपनी पावर्स दे देते थे। मतलब कि फैसला लेना, सुनाना, मतलब हर एक चीज़ की हेल्प करते थे। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब हर रूल रेगुलेशन में वो उसकी हेल्प करते थे। तो इसमें क्या थे, चार मेंबर हुए थे, चार मेंबर काउंट किए गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई बात क्या लगा लो, कि उस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो कि फोर्ट विलियम है, कहाँ बना, कलकत्ता में। तो पहले कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है। तो कोलकाता में इसकी फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सबसे पहला सबसे पुराना अपने इंडिया में जो कोर्ट है वो आपका, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है वो आपको कौन सा है, फोर्ट विलियम कोर्ट है, ठीक है। तो ये थे अपने रूलिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा और आपने इसको समझने में इंजॉय भी किया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेज क्या कहना चाहता है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट जो कि आपके एग्जाम ऑफ वीओ से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे पहला एक्ट लगाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट कब लगा था आपका, 1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में लगा था, 1773 में लगा था। उसके करेक्ट 8 साल के बाद 1781 में एक और एक्ट आया, क्या, अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट क्या थे कि कुछ भी कानून जो भी बनाए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना था। तो वो सिर्फ चेंज कौन कर सकते थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी चेंज कर सकते हैं। तो इसको, इस एक्ट को पूरा क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाने लगा, ठीक है। इस कोर्ट को क्या नाम दे दिया गया, सेटलमेंट कोर्ट आपको बोल दिया गया। कि सेटलमेंट कोर्ट मतलब क्या था यार, चेंज करना कोई भी चीज़, आप अगर कोई कानून है कोई आप अगर चाहते हो कि चेंज करना है तो उसको क्या करोगे, सेटलमेंट के तहत ही चेंज कर सकते हो। तो इसको क्या बोला कि आर्टिकल 50 में भी आपका, अगर आप आर्टिकल पढ़ते होगे तो आर्टिकल 50 में लिखा होगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑफ पावर, कि न्याय की हर एक पावर्स को अलग अलग से बताना, ठीक है। या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, ओके। तो ये कानून ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करना चाहते याद कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने जो कानून पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उसके पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कौन था, पिट्स कौन था, पिट्स पिट आपका क्या था, एक ब्रिटिश का गवर्नर था, ठीक है। तो मतलब ये मैंने लिख भी रखा कि प्रेसिडेंट था, क्या, बहुत छोटी उम्र में प्रेसिडेंट बना था। इसने कुछ इंडिया के लिए कानून लिखे, ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस थोड़ा पढ़ लेना। ये कब आया था, 1784 में आया था, ठीक है। ये सभी कानून क्यों चलते आए, क्योंकि ये सभी सिविल सर्वेंट्स के कारण कानून चलते आए, क्योंकि वो रिश्वत लेने में बहुत कंजूस, रिश्वत बहुत ज़्यादा ले रहे थे लोगों से, ठीक है।
और जैसे जैसे लोगों से रिश्वत लेते रहे, लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हड़ताल करने स्टार्ट किया, और हड़ताल करने से ही एक ना एक नया एक्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रिटिश पोसेशन है। ब्रिटिश पोसेशन मतलब ये बहुत नॉर्मल आदमी था, सिंपल सा आदमी था, ठीक है। मतलब एक ये लगा लो कि नया इसको कोई वो नहीं था, अनुभव एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, तो इस वजह से इसको क्या गया, ज़्यादा लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसने एक काम अच्छा किया कि डबल गवर्नमेंट का काम कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट मतलब कि जो कानून आपका ब्रिटिश में लागू हो रहा है वो कानून आपका जो इंडिया में भी लागू होगा, ठीक है। मतलब दोनों जगह इसने कानून चला दिए गए सेम, ठीक है। तो इस वजह से इसने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की फिर से स्थापना की इसने, ठीक है, ओके, ताकि इस सिफारिश को फिर से नियंत्रित करना चाहिए। अगर हाँ ये आदमी सिफारिश जो रिश्वत वगैरह थी वो इसको रोक देता, पिट इस सिफारिश को रोक देता, लेकिन क्या हुआ किस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान ना देने की वजह से इसको क्या किया है, सस्पेंड हटा दिया गया अपनी जगह से। तो हटा दिया गया तो फिर लोगों में फिर से जाग वो अपने जो सिविल सर्वेंट्स थे वो अपने सिफारिश रिश्वत वगैरह फिर लेने लगे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। तो उसी को चलते क्या किया, चार्टर एक्ट, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 में अब क्या हुआ था ये हम जानेंगे। तो ये क्या था, फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। फाइनल स्टेप मतलब बिल्कुल, मतलब इसने ये कह दिया था कि ये हम पूरे भारत पर अपना शासन लागू करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक कोई ना कोई मुगल बादशाह तो जिंदा रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इलाकों में शासन किया था, कई मतलब अलग अलग जाके बहुत सारी जगह थी जहाँ राजा अपना शासन स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये एक्ट आने के बाद क्या हुआ, पूरे पूरे देश को कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आते ही क्या किया, अपना पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया, ठीक है। क्या बोला कि लॉ और एक्ट्स, जो कानून हम बनाएंगे वो ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन, प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसने क्या किया कि जो रिश्वतखोर ऑफिसर थे उनको निकाल दिया, और मतलब बहुत ईमानदार लोगों को इसने रखा, ताकि अपने देश जो भारत में इनका कब्जा जमा रहे। क्योंकि लोग बार 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 हड़ताल कर रहे थे, हड़ताल का वजह यही था कि रिश्वत बार बार ले जा रही थी। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा कि नाउ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ पर सेंटर और स्टेट अपनी अलग अलग बातें रख सकते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक ही जगह से पूरे देश पर कंट्रोल करना, दूसरे की तो बातें नहीं सुनना, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ गए हो कि आज के टाइम जो अपने देश पर शासन चल रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, कि अलग अलग जगह अलग अलग सरकार उठेंगी, अलग अलग काम होंगे, ठीक है। पहले तो एक ही जगह से काम होते थे, तो आज के टाइम इतना कुछ नहीं है। फिर 20 साल के बाद वो 1833 वाला चार्टर एक्ट खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा चार्टर एक्ट लाया गया 1853 में, कुछ नए कानून करने के तरीके। कैसे कि वहां पर क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो थे वो डायरेक्ट लिए जाते थे, कि किसी लोग किसी के आ, मतलब किसी ना किसी को देख के ले लेते थे, ऐसे कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिविल सर्विस के बारे में एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट कर दिया गया ताकि कोई काबिलियत है वो आपके सिविल सर्वेंट बन सकता है, ठीक है। उसके लिए कॉलेज की स्थापना की, हेलीब्रेक्स कॉलेज किसने बनवाया, मैकले कमेटी ने इसको परमिशन दी, परमिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की तरफ से इसको परमिशन दिलाई गई हेलब्रुक्स कॉलेज में, क्यों, एग्जामिनेशन के लिए, ताकि इनको अच्छा ट्रेनिंग करके भेजा जाए इंडिया में, ठीक है।
ये क्या था, एक आपका लास्ट चार्टर एक्ट था। लास्ट चार्टर एक्ट क्यों था, क्योंकि अब इन्होंने सोचा कि अगर हम अच्छे से तैयारी करके अगर सिविल सर्वेंट को भेजेंगे इंडिया में या फिर कहीं भी अभी, तो ये क्या करेंगे अपने आप को, अपने दे अपने शासन को क्या करेंगे, अच्छा जमा पाएंगे, ठीक है। मतलब इस इनकी नीति थी एजुकेशन वाली, ठीक है। तो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग अलग जगह बनाई गई, जैसे कि आपके कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ऐसे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, ठीक है। इंडियन सेंट्रल कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, काउंसिल्स जो बनाई गई वो मिनी पार्लियामेंट में बनाई गई। मिनी पार्लियामेंट कहाँ थे, आपके इंग्लैंड में, ठीक है। बस लास्ट पॉइंट है इसका, इंडेफिनिट एक्सटेंशन दिया गया आईईसी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब ये आने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से चलने लगी और पूरे देश पर क्या होने लग गया, इनका शासन चालू हो गया। लेकिन इनका शासन चालू हुआ तो सबसे अजीब बात ये थी, जैसे इनका शासन चालू हुआ तो क्या किया, मतलब ये फिर इनके मन में क्या आने लग गया, भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, ठीक है। मतलब रिश्वत की बात फिर होने लग गई थी, तो धीरे धीरे ये क्या करने लगे कि अपने देश में जो थे वो कारतूस लाने लगे। कारतूस लाते लाते क्या क्या किया कि मांस वगैरह का कारतूस लाने लग गया, ठीक है। तो इसकी कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी, कि अपने देश का जो शासन है वो कैसे लागू हुआ, अपने देश पर डेमोक्रेसी कैसे आई, वो हम जानेंगे। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेजों ने शासन किया और शासन के दौरान क्या क्या इन्होंने रूल बनाए, वो कानून हमने पढ़े हैं अब तक, ठीक है। धीरे धीरे आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आपके क्या पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने देश के लोगों ने कितना, मतलब कितना कुछ सहा है, लड़ाई लड़ी है, इस देश के अलग अलग कानून बनाने का काम किया है। तो ये हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बने रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।